98% मार्क्स यार जादू, तू तो एवरेज सा स्टूडेंट था क्लास में, रिजल्ट इतना जबरदस्त। ये सब तुम्हारी दुआएं है बस। मैंने तो तुझे कभी दुआ नहीं दी। क्या मतलब? मैं कह रहा था कि 1100 में से 1078 मार्क्स सोच सोच के दिमाग पंखे की तरह घूम रहा है मेरा। है दी, इस दफा मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में सभी के बहुत ज्यादा नंबर आए हैं कुल मिला के। अच्छा हाँ, वो जो अपनी क्लास का बंटी है ना, उसने 97%, और वो जो आमिर है ना, उसने 99%, और वो बैक बेंच वाला है ना, वो क्या उसका नाम है, हुसनैन, उसने तो 99.5 नंबर लिए हैं कुल मिला के। Nope. हदी 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 क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अच्छा तुमने अपने नंबरों के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं कुल मिला के। मैं बताती हूँ तुम्हें कि इसके कितने नंबर आए हैं। क्या इसके भी 90% से ऊपर नंबर आए हैं कुल मिला के? सिर्फ 80% मार्क्स हैं इसके। है दी, तुम तो बहुत लाइक स्टूडेंट थे क्लास में। अरे खाक लाइक था, लाइक होता तो 80% मार्क्स आते इसके। हाँ है दी, ये तो बहुत कम नंबर है कुल मिला के। अरे तू चुप कर, कुल मिला के लगाया रखा है तूने। ठीक तो कह रहा है जादू, अरे इतने कम नंबर, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को बता रखा था कि इस दफा बोर्ड में टॉप करेगा मेरा बेटा। मम्मी मैं जितने मार्क्स ले सकता था उतने आ गए, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। तुमको मालूम है तुम्हारे मामू ने अपने पूरे चैम्बर के दोस्तों को मिठाई खिलाने का कहा था अगर तुम बोर्ड टॉप करते। तो क्या मम्मी, इस दफा नहीं खिलाएंगे मिठाई, ऐसे भी वकीलों को अपना अपना काम करने दे मिठाई खाने की बजाय। दी तुम तो बहुत गुस्सा हो रहे हो कुल मिला के। तुम जैसे डट्टे बाल लोगों की वजह से बेचारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स दिल छोटा करके बैठ जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, रट्टा लगाने में क्या बुराई है, कम से कम मार्क्स तो ज्यादा आते हैं ना। क्या बुरा है अभी समझाता हूँ। जादू एक क्वेश्चन का जवाब दे। क्या, कौन सा क्वेश्चन? कुल मिला के केमिस्ट्री की बुक से क्वेश्चन है, रिएक्टेंट की डेफिनेशन सुना। हाँ वो तो याद है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकली साइंस। देखो भूल गया, पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था, वहां तो आंसर दे दिया होगा क्योंकि रट्टा लगाया है। नहीं याद था, यही होता है रटे काल, क्योंकि समझकर प्रैक्टिकल करके याद करने लगो तो बहुत ज्यादा मार्क्स आना ही मुश्किल है। लेकिन नहीं, मार्क्स के चक्कर में हम स्टूडेंट्स को गधे की तरह पढ़ाते हैं, स्कूल स्कूल से ट्यूशन क्लास, ट्यूशन क्लास से गड़ाकर असाइनमेंट, वो लंबे लंबे मॉडल पेपर्स उठाए जाते हैं। पता है पढ़ाई के बोझ के अलावा सिर्फ मार्क्स की बुनियाद पर स्टूडेंट्स की अलग अलग शिनाख्त बना दी जाती है, जैसे कौम और रंग के फर्क की वजह से फर्क रखा जाता है, ये हो रहा है, ये काला है, ये बूढ़ा है, ये अच्छे खानदान से है, ये गरीब, इस तफरीक से ज्यादा बुरा मार्क्स की बुनियाद पर तफरीक करना है। तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, तुमको तुम्हारे गढ़ वाले सर पर उठाकर पूरा मोहल्ला घुमाएंगे, अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिलेगा, मुझ जैसे पर उंगलियां कसी जाएंगी, अच्छे कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारे गढ़ वाले बगैर तुम्हारा इंटरेस्ट पूछे तुम्हें इंजीनियरिंग की तारीफें सुना सुना कर उसके साथ बिहा देंगे। हदी तू ठीक कह रहा है, तेरी बातें किसी हद तो मेरे पल्ले पड़ रही हैं। लेकिन आंटी मुझे तो पूरी तरह समझ आ गई हैं इसकी बातें कुल मिला के। मेरे बच्चे तो फिक्र ना कर, तू जो बनना चाहता है जो करना चाहता है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। बस साथ ही काफ़ी है, मेरे टीचर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरी रहनुमाई ज़रूर करेंगे, कोई अच्छा ही मशवरा देंगे वो। थैंक यू मॉम।